Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. कलर्स के मोस्ट एक्शन थ्रिलर शो खतरों के खिलाड़ी का ये सीजन हमेशा ही कुछ न कुछ खास फैंस के लिए लाते ही आया है। फिर चाहे वो शो में होने वाली मस्ती हो या इमोशन दिखाने की बात हो या फिर एक दूसरे के साथ हुए फाइट की बात हो, हर किस्म के फ्लेवर से आप एंटरटेन हुए हैं। तो चलिए इस बार आपको कॉमेडी के बादशाहों से भी मिलवा देते हैं। तो सबसे पहले ऋत्विक से मिल लीजिए जो सनसनी की तरह खबरें सुना रहे हैं। देखिए इस पतले दुबले आदमी को, ये इंसान नहीं, इंसान के पीछे आदमखोर भेड़िया है। आप इनसे पूछे आपको पानी से डर लगता है, बोलता हाँ। आपको आग से डर लगता है, बोलता हाँ। बोलता आपको आग से डर लगता है, बोलता हाँ। फिर भी जा जाके सारे स्टंट कर करके हमारे अरमानों का चुंबर कर दिया इसने। हम आपको बताते हैं यहाँ पर एक और बहुत ही खूंखार भेड़िया मौजूद है। कौन से देखे खास आपको, कौन से, इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसा कत्ल करती है, आप इनको कत्ल करने के बाद छू नहीं सकते। पूछे क्यों क्यों क्यों, ये बोलेंगे नहीं क्योंकि इनको पता है क्यों। क्यों इसीलिए क्योंकि ये मकड़ियों के कीड़ों के बक्से में मुंह मारने के बाद इनको भी बोलते डोंट टच मी। इसलिए कत्ल करने के बाद आप इनको छू नहीं सकते। अगर आप लोगों को अपने अपने घरों को बचा के रखना है तो इन दरिंदों से संभल के रहिए। अब बारी है रवि की, जिनका तो हमेशा ही अंदाज निराला होता है। देखिए कैसे नाना पाटेकर स्टाइल में वो सबको एंटरटेन कर रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी के विशेष समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है, मुंबई में स्थित मलाड नामक जगह के एक छोटे से पागलखाने का बहुत बड़ा पागल वहां से भाग निकला है और स्पेन में मलागा नामक जगह में आके बस गया है। ऐसा कहा जाता है कि अपने बुरे ह्यूमर और बकवास जोकों से वो लोगों को पकाता है, अपने घटिया जोक सुना के लोगों को सताता है, लोगों का दिमाग खराब करता है। भारतीय गवर्नमेंट के अनुसार ये सूचना दी जाती है ये पागल कहीं भी आपको दिखे ऐसे गोली मार दे। अब बारी थी हिना और शांतनु की, जिन्हें तो पर्सनली रोहित की डिमांड पर इस टास्क को करना था। और आप खुद देख लीजिए कि आखिर रोहित ने ऐसा क्या टास्क दिया। हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। तो देखा आपने, सब काफी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। Well, आपको इनका ये कॉमेडी वाला अंदाज कैसा लगा, अपने लाइक्स और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और यूं ही टेली मसाला देखते रहिए।